हम आज के इस लेसन में देखेंगे कि एक लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे की जाती है और स्लाइसिंग से क्या मुराद है। हमें समटाइम एक पूरी की पूरी लिस्ट की बजाय उस लिस्ट के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस की जरूरत होती है अपने प्रोग्राम के अंदर। हमें वो पोर्शन को जब स्पेसिफिक पोर्शंस को निकालना होता है या उसको हमें ट्रिम करके लिखना होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। हमने एक लिस्ट डिक्लेयर की है, उसके अंदर मैंने एच ई एल एल ओ आई एम आर ए एन ये कैरेक्टर्स डिक्लेयर किए हैं। अगर मैं सिंपल प्रिंट आउट करूं तो मेरे सामने मेरी पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं इस लिस्ट की स्लाइसिंग करता हूं, मीन्स मैं कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से लेकर एंड तक कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं। मैंने इसके लिए हमारे पास स्लाइसिंग के लिए क्या तरीकाकार है, जिस लिस्ट के ऊपर आपने स्लाइसिंग को अप्लाई करना है उस लिस्ट का नाम प्लस जिस इंडेक्स से स्टार्ट करके आप एंड तक जाना चाहते हैं वो इंडेक्स और आगे सेमी कॉलम। इसको रन करूंगा तो इंडेक्स नंबर 2 से लेकर ऑनवर्ड एंड तक चीज को प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। इंडेक्स नंबर 2 कौन सा बनता है, एच जीरो ई वन एल टू इंडेक्स, ये हमारा एल 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 से लेकर एन एन तक उसने प्रिंट आउट कर दिया। सेम लाइक दिस मैं कहूँ कि सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करके सिक्स इंडेक्स तक की वैल्यूज जस्ट प्रिंट करनी है, तो मैंने सेमी कॉलन के बाद स्टार्टिंग रेंज भी दे दी और एंडिंग रेंज भी दे दी। अब उसने इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करके इंडेक्स नंबर 6 तक के तमाम वैल्यूज को प्रिंट आउट कर दिया। अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो उसने क्या किया, मेरे पास जस्ट जो मेरे पास फर्स्ट 6 एलिमेंट्स थे लास्ट तमाम के तमाम स्किप करके उसने वो प्रिंट आउट कर दिया। अगर मैं अपनी इस लिस्ट को नेगेटिव इंडेक्सेस देके चेक करूं, नेगेटिव 6 नेगेटिव 1, तो अब ये हमें क्या काम करके देगा, ये मुझे मेरे जो नेगेटिव 6 मीन्स ये हमें अब राइट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है इसे सबसे पहले वहां से काउंट किया और वहां से बैकवर्ड आना शुरू किया। सबसे पहले हमारे पास n, n हमारे पास 0 1 माइनस 1, देन r इज माइनस 2, m इज माइनस 3, i इज माइनस 4, o इज सॉरी हमारा n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 5 और माइनस 6 तक की वैल्यूज वो प्रिंट आउट कर देगा। अगर मुझे अपने पूरी पूरी एरे को रिवर्स करवा के प्रिंट करना है तो मैं इसको जो भी हमारे पास इसके इंडेक्सेस बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम इसको -1 पास करें तो अब क्या करेंगे, वो उसने मेरी पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट कर दिया। ये हमारे पास कहलाती है स्लाइसिंग। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक रेंज का हमें एक खास पोर्शन चाहिए हो, जिस पोर्शन के ऊपर हम कोई भी स्पेसिफिक कंप्यूटेशन करना चाहते हो, तो हम स्लाइसिंग के जरिए से एक लिस्ट का वो पार्ट लेकर उसको अपने काम में कंप्यूटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्लाइसिंग करना किसी भी लिस्ट की।